अस्सलाम वालेकुम। अगर आप किसी तरह की भी कोई दीनी फ्लेक्स बनाना चाहते हैं, कोई आप सियासी फ्लेक्स बनाना चाहते हैं, उसके अलावा कोई पोइट्री के लिए आप पेज बनाना चाहते हैं, अखबारें जरिए के लिए कोई पेज, कोई बैनर बनाना चाहते हैं, कोई इलेक्शन हो रहा है उसके लिए आप जो है वो अपना खुद का पोस्टर बनाना चाहते हैं, तो कैसे आपने अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए ये सारा काम करना है और कैसे अपने प्रोफेशनल किस्म के जो है वो बैनर अपने मोबाइल के अंदर बनाने हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल से शुरू से लेकर अंत तक बताऊँगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो आपने जो पोस्टर बनाने मोबाइल के अंदर ही बनाने हैं, तो मोबाइल को आपने उठा लेना, ठीक है, और आपने जो है वो एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है उर्दू डिज़ाइनर, ठीक है। उर्दू डिज़ाइनर आप देख सकते हैं मैंने उसको डाउनलोड कर रखा है। जैसे डाउनलोड करके आपने इसको ओपन करना है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आता है और इसमें आप उर्दू के जो है वो फॉन्ट्स आपको काफ़ी देखने को मिल जाते हैं, उर्दू के टेम्पलेट्स काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। मतलब आपको जो है वो ओवरऑल कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती, बेसिक आप टेम्पलेट्स इधर से लेके अपना फ्लैक्स पोस्टर और किसी भी तरह की कोई बैनर वगैरह जो है वो बना सकते हैं। बनाने के लिए आप दूसरे नंबर पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, देखें ऑनलाइन डिज़ाइन, इसके ऊपर आपने प्रेस करना है। ऑनलाइन डिज़ाइन पर प्रेस करेंगे तो आपको आपके पास जो है वो हर तरह के ऑनलाइन डिज़ाइन मिल जाएंगे, ठीक है। आपको बिजनेस के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, प्रीमियम मिल जाते हैं, इस्लामिक, सोशल मीडिया और हर तरह के आपको इधर जो है वो ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने बिना मिल जाते हैं। पहले देखें कोर्स का आ गया, अकवाल नजरिए के लिए अगर आप कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो आपके पहली लाइन में अकवाल नजरिए, दूसरी लाइन में पोइट्री, थर्ड लाइन बिजनेस कार्ड बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, फूड के लिए कोई आप कार्ड बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, इस्लामिक पोस्ट बना सकते हैं, पॉलिटिक्स के लिए आप जो फ्लैक्स बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, इलेक्शन के लिए कोई फ्लैक्स बैनर बनाना चाहते हैं वो भी यहाँ से बना सकते हैं, अपनी सीवी बना सकते हैं, फ्लैक्स बना सकते हैं। अब इधर बात यह है कि हमने इससे खुद का अपना पोस्टर या फिर कोई बैनर वगैरह कैसे बनाना है। तो बनाने के लिए सिंपल आप इधर जिसके ऊपर आप देख सकते हैं स्टार सा बना हुआ है टॉप राइट साइड पर, जिसके ऊपर स्टार बने हुए हैं वो जो है वो प्रीमियम है, मतलब अगर उनको आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। पे आपको इतना ही करना पड़ेगा, आपने 280 रुपये पर मंथ जो है वो देने होते हैं अगर आप इनके सारे जो है वो प्रीमियम फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने 280 रुपये पर मंथ देने, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा अगर आप नहीं ये दे सकते तो फिर आप इसको जो है वो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, गूगल क्रोम से मूड भी इसका डाउनलोड करेंगे तो वो सारे फ्री में आपको इधर मिल जाएंगे। मैंने ये एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड किया तो इसीलिए मेरे पास जो है वो कुछ ही फ्री में ऑलरेडी जो टेम्पलेट्स हैं वो हैं, तो उनमें से ही मैं कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको बताता हूँ कि आपने वो अपने उनको कैसे एडिट करना है। तो इधर मैं एक जो है वो पॉलिटिक्स वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया, डाउनलोड और एडिट पे प्रेस करेंगे तो ये जो डाउनलोड हो जाएगा आपका जो है वो ये टेम्पलेट। डाउनलोड होने के बाद आप उसको एडिट कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स चेंज कर सकते हैं, अपने नाम चेंज कर सकते हैं। तो इधर से आप कोई भी जो पिक्चर जिसको आपने चेंज करना है, ठीक है, उसके ऊपर टैप करना है, वो उसको आप जो है वो चेंज करके अपनी पिक्चर लगा सकते हैं और अपना नाम भी लिख सकते हैं। अब ये नीचे वाली पिक्चर है जहाँ पर लिखा मोहम्मद फारूक मुगल, इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ और टैप करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस का, रिप्लेस पे आपने प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, यहाँ से आपने अपनी जो वीडियो है वो अपनी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, तो इसकी जगह आपकी जो पिक्चर है वो आ जाएगी। मैं यहाँ पर अपनी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने पिक्चर सेलेक्ट की, ठीक है, जैसे ही सिलेक्ट की तो इसकी जगह मेरी जो है वो पिक्चर आ जाएगी। तो आपने सिंपल इस तरह से जो है वो रिप्लेस कर लेना है अपनी जो भी पिक्चर्स लगाना चाहते हैं पोस्टर को चेंज करने के बाद। ये पिक्चर बहुत बड़ी है तो मैं इसको ऐसे जो है वो छोटा कर लेता हूँ। अभी इधर मैंने जो है वो अपनी पिक्चर को एडजस्ट कर लिया, ऊपर जो नाम लिखा है इसको मैंने चेंज करना है, तो नाम के ऊपर आप प्रेस करें, ठीक है। अगेन आपने जो है वो एडिट में आना है, एडिट में आएंगे तो आपने जो है वो इधर अपना नाम लिख लेना है। अब ये इधर मोहम्मद फारूक मुगल लिखा हुआ है तो मैं इधर नाम लिख लेता हूँ मोहम्मद अली। तो इधर मैंने अपना नाम लिखा और ऐड टू डिज़ाइन किया तो जो है नाम चेंज हो गया, देखें मेरा नाम आ गया। उसके नीचे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान, यहाँ पे भी आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपने उसके ऊपर प्रेस करना है, ठीक है, तो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट होगा, ठीक है, और आपने इसके ऊपर एडिट में आना है, उसको रिमूव करना है, ठीक है, ये आपके पास आ गया, इसको रिमूव करें और जो भी आपने लिखना लिख के आप ऐड टू डिज़ाइन करेंगे तो आपके डिज़ाइन के ऊपर आ जाएगा। अब आप ये देखें तो मेरी जो पिक्चर लगी हुई है ये फ्रंट पे आई हुई है, मैंने इसको बैक पे लेके जाना है तो पिक्चर के ऊपर आपने प्रेस करना है, ठीक है, अभी पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी, लेयर्स में आ जाना है, ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आपने अपनी पिक्चर को इस तरह बैक कर लेना, तो ये जो है वो इन डिज़ाइन के पीछे चली जाएगी और आपकी जो है वो मतलब डिज़ाइन सही से जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपने इतना कर लेना है, ठीक है, इसको आपने लेयर्स को बंद कर लेना है। अब ये एक पिक्चर मैंने आपको चेंज करके दिखा दी, अब दूसरी चेंज करनी है उसके ऊपर आप टैप करें, ठीक है, रिप्लेस में आएँ, रिप्लेस करके इसको भी जो है वो आप अपनी इस पिक्चर को भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब इधर इनके बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हुए हैं लेकिन मैंने अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया, तो पहले आप इनको रिमूव करके फिर इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे तो ये बैकग्राउंड नहीं आएगा इसके अंदर। तो रिमूव कैसे करना है वो भी बहुत ही आसान तरीका होता है। अब आप यहाँ से जो है वो अपनी पिक्चर्स वगैरह इस तरह अपने सियासी पोस्टर जो है वो बना सकते हैं। हम आ जाते हैं कोई और टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑनलाइन डिज़ाइन में आते हैं और ऑनलाइन डिज़ाइन के अंदर आप कोई और मैं इधर टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं सपोज कोई पोइट्री का बना रहा हूँ तो मैं इधर से कोई पोइट्री वाला सेलेक्ट करता हूँ, डाउनलोड एंड एडिट पर प्रेस करता हूँ।
प्रेस करने के बाद अब जो है वो मैं जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगा, और फिर आप इसके अंदर जो भी टेम्पलेट्स होते हैं ठीक है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अब ये मेरे पास टेम्पलेट इधर ओपन हो चुका है। अब नीचे एक पिक्चर लगी हुई है मलक कैसा है, आगे मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ उन्होंने, इसकी पिक्चर आपने चेंज करके अपनी लगानी है। इसके ऊपर टैप करें, पिक्चर सेलेक्ट होगी, आपने रिप्लेस में आना है। रिप्लेस में आने के बाद आपने वो पिक्चर सेलेक्ट करनी है जिसका बैकग्राउंड रिमूव है। मेरे पास फिलहाल के लिए कोई नहीं पड़ी तो मैं जिसका बैकग्राउंड है वही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें अपनी पिक्चर्स में आता हूँ और ये एक मैं पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ रैंडमली। तो इधर मेरी पिक्चर जो है वो आ चुकी है ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो ये मेरी पिक्चर इधर से जो है वो इधर एडजस्ट हो जाएगी। अब ये पिक्चर हमने लगा ली, मलक कैसे नीचे लिखा हुआ है ठीक है। इधर हम इसका भी एडिट में आके नाम चेंज कर लेते हैं। तो इधर मैंने नाम चेंज किया और एड टू डिज़ाइन किया तो ये मेरे पास जो है वो शहरोज़ मुग़ल जो मैंने लिखा ठीक है वो इधर आ चुका है। अब ठीक है आप इधर से नाम भी चेंज कर सकते हैं, आपने पिक्चर भी चेंज कर ली। यहाँ पे आपके पास जो है वो ट्विटर का आ रहा है तो ट्विटर के ऊपर आप प्रेस करें, एडिट में आए तो यहाँ पे आप जो ट्विटर का नाम लिखा हुआ है इंग्लिश में आके वो भी आप इधर से चेंज कर सकते हैं। तो आप ट्विटर की जो भी आपकी आईडी है वो आपने इधर लिख लेनी है, अगर नहीं भी है तो फिर आप ना लिखें ठीक है, इसको वैसे ही आप डिलीट कर दें। मैं इधर वैसे ही रैंडमली लिख देता हूँ कोई भी आईडी, और मैंने इसको ऐड टू डिज़ाइन किया तो उसकी जगह जो है वो नाम जो मैंने लिखा वो आ गया। अब ये जो नीचे वाला लिखा है वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है इसको आप जो है वो डिलीट कर दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब ऊपर जो हमारे पास ये लिखा हुआ है ठीक है इसको हमने चेंज करना है लफ्ज़ों से, इशे करके तो देख, नुक्ते ना नाचें तो मुझे कहना। यहाँ पे हमने अपने कोई और पोइट्री लिखनी है तो आपने इसके ऊपर प्रेस करना है, एडिट में आना है। एडिट में आके इधर आपने अपने जो शेयर कॉपी कर रखा है या फिर आप कोई भी पोइट्री लिखना चाहते हैं वो आपने सिंपल इधर पेस्ट करनी है। ऐड टू डिज़ाइन करेंगे तो इसकी जगह वो पोइट्री आ जाएगी। तो सिंपल आप इधर से अपना कोई भी पोस्टर, कोई भी डिज़ाइन, कोई भी इस्लामिक पोस्ट बनाना चाहते हैं, कोई सियासी पोस्ट बनाना चाहते हैं, कोई बिजनेस कार्ड बनाना चाहते हैं तो वो आप इधर से सिंपल बना सकते हैं। और आपने सिंपल सेव करना है, आपको HD क्वालिटी में जो है वो इधर टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं। जो स्क्रीन के ऊपर आपको पोस्टर डिज़ाइन वगैरह शो हो रहे हैं ये मैंने उर्दू डिज़ाइनर से ही बनाया और इसके ज़रिए ही एडिट किए हैं, और आप भी इसी तरह से जो है वो अपने खुद के जो है वो बैनर बना सकते हैं। तो आज की ये वीडियो इतनी ही थी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।